हेलो बच्चों, तो यार यूपीटीयू की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है कि 17 तारीख से तुम्हारी चॉइस फिलिंग होने वाली है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन है कि भैया 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 8 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, कॉलेज कौन से अच्छे हैं, कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेने चाहिए, कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच अच्छी नहीं है, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है, बहुत सारे कन्फ्यूजन तुम्हें हो रखे हैं। उस सारे सोल्यूशन का जो तुम्हें आंसर है वो अगले हमारे होने वाले वेबिनार में मिल जाएगा। हमारा वेबिनार होने वाला है जहां पे मैं तुम्हें गाइड करूंगा पूरी यूपीएससी काउंसलिंग के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में। और ये पूरा का पूरा वेबिनार जो रहेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक कहाँ है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके गूगल फॉर्म फिल कर दो और अपने आप को रजिस्टर कर दो, क्योंकि सीट जो है थोड़ी सी लिमिटेड है। इसका वीडियो पे आ जाते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हें 1 से लेकर 10 लाख रैंक तक कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं तुम्हारे पास। IIT लखनऊ है, BIT झांसी है, NIIT सुल्तानपुर है, तुम्हारे पास REC है, REC मैनपुरी है, आजमगढ़ है, प्रतापगढ़ है, सोनभद्र है, बहुत सारे तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपीटीयू में। और तुम्हें यूपीटीयू में 10 लाख 11 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। वो कैसे, यहां बताते हैं तुम्हें। देखो IIT लखनऊ की बात करें तो जो देखो इसमें क्या होगा कि तुम्हें ब्रांचेस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांचेस तुम्हें जरूरी नहीं कि CS ही मिले, तुम्हें मैकेनिकल, सिविल, ECE, EEE जैसे ब्रांचेस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुम्हारी रैंक अकॉर्डिंग, इफ इन केस अगर तुम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि भाई ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए बट अच्छी ब्रांच चाहिए, तो तुम उस केस में स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस भी प्रीफर कर सकते हो, जैसे काइट हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, JSS हो गया, ABS हो गया, और सारे कॉलेजेस। कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तुम्हारी रैंक पे, तुम्हारी प्रोफाइल पे, कि कौन से कॉलेज तुम्हें लेना चाहिए, प्रोफाइल एसेस फॉर्म के लिंक बायो में है, जाके फिल आउट कर दो। हमारी टीम तुम्हें रीच आउट कर लेगी बताने के लिए कि भैया तुम्हारी रैंक पे तुम्हें कौन से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। वीडियो पे आते हैं। IIT लखनऊ की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 1.3 लाख ओपन कैटेगरी में, SC ST OBC में थोड़ी सी रैंक हाई हो जाती है। KNIIT सुल्तानपुर की बात करें तो आखिरी ब्रांच तुम्हें 2.3 लाख में मिल जाएगी। BIT झांसी पे बात करें तो 2.4 में मिल जाएगी। इसके बाद REC बिजनौर की बात करो तो 6.5 लाख में मिल जाएगी तुम्हें। REC सोनभद्र की बात करूँ तो 10 लाख तक पे मिल जाएगी। बोला था ना कि 10 लाख में तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। REC मैनपुरी की बात करो तो जनरल कैटेगरी के हो तो 4.7 से लेके 5 लाख रैंक तक मिल जाएगी। AITH कानपुर की बात करो तो 7.5 लाख तक तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद REC प्रतापगढ़ की बात करो तो 4.5 लाख तक मिल जाएगा। IIT इलाहाबाद की बात करो तो 8 से 10 लाख में मिल जाएगा। इसके बाद REC आजमगढ़ की बात करो 3 लाख में मिल जाएगा। अब तुम्हें जानना है कि भैया ये सब तो ठीक है, अब आप ये बताओ मेरी रैंक के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है कॉलेज प्रेडिक्टर। हमने स्टूडेंट खबरी का कॉलेज प्रेडिक्टर लॉन्च किया। तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, स्टूडेंट खबरी डालना है, ठीक है, studentkhabri.com करके ये आ जाएगा। यहाँ से तुम्हें स्टूडेंट खबरी की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट पे आना है, तुम्हें एक ऐसा होम पेज शो हो जाएगा। होम पेज पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे प्रेडिक्टर का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे तुम गए प्रेडिक्टर पे। सबसे पहले तुम्हें UPTU मिल जाएगा। UPTU पे गए, यहाँ से गो टू प्रेडिक्टर, यहाँ पे तुमने अपनी रैंक डाल दी। सपोज मेरी रैंक 2 लाख है, ठीक, मैंने एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, JEE मेंस, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, ओपन और प्रेडिक्ट कर दिया। अब मुझे ये बता देगा कि मुझे मेरी रैंक पे कौन कौन से कॉलेज, उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही होगी और किस राउंड में मिल जाएगी। जैसे IIT इलाहाबाद मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा मुझे राउंड वन में, 2 लाख के राउंड इसकी क्लोजिंग रैंक जाती है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये मिल जाएगा। ABS की बात करूँ वहाँ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है, किस राउंड में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, होम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, सब चीज़ तुम्हें इसमें पता चल जाएगी। इसके बाद क्या करना है कि चॉइस फिलिंग आने वाली है। जैसे 17 तारीख से तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब तुम्हारा डाउट होगा भैया कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच पहले मुझे फिल करनी है, कौन सी उसके बाद फिल करनी है। इसके लिए तुम्हारा कुछ नहीं करना, तुम्हें आराम से रिलैक्स करना, तुम्हें चॉइस फिलिंग टूल पर जाना है। यहाँ पर तुम टूल पर गए, गो टू टूल, तुमने अपनी रैंक इंटर कर दी, जो भी तुम्हारी CRL रैंक है वो तुमने इंटर कर दी। इसके बाद तुमने एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद तुम्हारा कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, इसके बाद तुमने जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। अब तुम्हें अगर खुद से सेलेक्ट करना है तो तुम खुद से भी कर सकते हो। मेरा सजेशन ये होता है कि हमने इसमें AI फीचर इंटीग्रेट किया हुआ है तो तुम्हें AI की हेल्प लेनी चाहिए। AI क्या करेगा, तुमने सेलेक्ट यूजिंग AI किया, अब इससे क्या होगा कि जितनी भी तुम्हारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं, जितनी भी ब्रांचेज जितनी भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो सारे अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद तुम्हें व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद तुम्हारे पास एक लिस्ट आ जाएगी पूरी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हारी एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, कि कौन कौन से कॉलेजेस तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे, कौन कौन से कॉलेज तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे जितने रेड में हैं ये सारे वो ब्रांचेस, वो कॉलेजेस जो तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे, और ये वो हैं जो तुम्हें ग्रीन में है जो तुम्हें मिल रहे होंगे। कुछ इसमें येलो में भी आ जाएंगे तुम्हारे डिपेंडिंग अपॉन रैंक, तो वो 50-50 चांसेस रहेंगे, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, अब इसको अपना सेव कर लो, ठीक है, अब तुमने इसको सेव कर लिया
और ये तुम जब भी तुम्हें हेल्प देनी हो तुम जाके फिर से चेक कर सकते हो वहाँ पे। अब आते हैं बैक टू कंटेंट कि ये सारे कॉलेजेस वो हैं जो तुम्हें 1 से लेकर 10 लाख रैंक तक मिल जाएंगे। तुम गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे मैंने बात किया REC मैनपुरी की बात की, IIT कानपुर की बात की, REC प्रतापगढ़ हो गया, IIT इलाहाबाद हो गया, REC आजमगढ़ हो गया, इसमें तुम्हें थोड़े से ब्रांचेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ, या बहुत सारे कॉलेजेस में IIT ब्रांच भी तुम्हें मिल जाएगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जो अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या जो अच्छे स्टेट प्राइवेट कॉलेज है वो लेना है। इसके बाद बात करते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि जो है क्या नाम है, तुम्हें 1-to-1 एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, वहाँ पे क्या होता है कि भाई तुम एक बंदा हो जो तुम्हें हेल्प कर दे कि पूरी चॉइस फिलिंग समझाने में, पूरी चॉइस फिलिंग तुम्हारी बना के देने में तुम्हें, क्योंकि वो बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि भैया कॉलेज ऐसा है या ये ब्रांच कैसी है नहीं है। उस केस में तुम्हें क्या करना है, ये QR स्कैन करना है, या सबसे बेटर है डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है जहाँ पे मेंटरशिप सपोर्ट है, वो तुम जाके चूज कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे तुम्हें सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। वो नंबर तभी पे व्हाट्सएप करना जब तुम्हें काउंसलिंग या मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए होगा, उस पर कॉल करोगे, कॉल पिक नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं उस पर बार बार कॉल करने का। वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उस नंबर पे व्हाट्सएप सपोर्ट कर देना है कि भैया मुझे काउंसलिंग में या मेंटरशिप में आपकी हेल्प चाहिए, आपकी टीम की हेल्प चाहिए। तो उस केस में वो नंबर तुम्हें रीच आउट कर लेंगे हम और तुम्हारी हेल्प कर देंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।